नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। महंगे एयरफेयर को लेकर जी बिजनेस की मुहिम जारी है। हाल ही के दिनों में भारत में घरेलू उड़ानें सबसे ज्यादा 41% तक महंगी हुई है। अगर बीते कुछ सालों की बात करें, हैरानी की बात यह है कि दिल्ली से उड़ने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स की टिकटें सामान्य से दो गुने से ज्यादा पर बिक रही हैं। दिल्ली मुंबई रूट पर एयरफेयर 14,000 रुपए के आसपास है। पिछली बार जब हमने इस मसले पर खबर की थी, खास मेहमानों के साथ चर्चा की थी, तो ये मसला सरकार तक भी पहुंचा। उसके बाद सरकार के कहने पर एयरलाइंस ने 7 से लेकर 28% तक अलग अलग रूट्स पर किराए को कम भी किया। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो ग्लोबली दिल्ली मुंबई रूट पर सबसे ज़्यादा है अगर कंपैरिजन करेंगे, जबकि मुंबई से दिल्ली का टिकट 6,000 में मिल रहा है और वापसी का अगर आप देखेंगे तो 14,000 के आसपास। बार बार कंज्यूमर यही सवाल पूछ रहा है कि इतना अंतर क्यों, आखिर आसमान छूते एयरफेयर का असली कारण क्या है? क्या ये केवल डिमांड और सप्लाई से जुड़ा मसला है या एविएशन सेक्टर को अब सरकार को एक तरह से रेगुलेट करना होगा, क्योंकि सरकार बार बार कहती रही कि हम रेगुलेट नहीं करना चाहते। रेगुलेट होना भी नहीं चाहिए, सरकार का डंडा इतना नहीं चलना चाहिए कि एयरलाइंस कंपनियां अपना काम ना कर पाए। लेकिन फिर एक कंज्यूमर के लिहाज से सवाल बचता है कि ये किराया जो अचानक से बढ़ जाता है, इस पर पाबंदी कैसे लगी? चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। एयरलाइंस की मनमानी क्या ऐसे ही जारी रहेगी? महंगा एयरफेयर हवाई यात्रियों की हवाइयां उड़ा रहा है। लोग महंगा हवाई टिकट खरीदने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली से मुंबई के टिकट के लिए लोगों को 12 से 15 हजार रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि सामान्य दिनों में ये किराया 4 से 6 हजार रुपए के करीब होता है। दिल्ली से बेंगलुरु का किराया 14 से 18 हजार रुपए, दिल्ली से चेन्नई का किराया 15 हजार रुपए और दिल्ली से लेह का किराया 10 से 12 हजार रुपए के आसपास बना हुआ है। इससे ठीक उलट मुंबई से दिल्ली का किराया 5 हजार के नीचे है, बेंगलुरु से दिल्ली का किराया 6,000 रुपए, चेन्नई से दिल्ली का किराया भी 6,000 से 7,000 रुपए के बीच है। ऐसी क्या वजह है कि दूसरे शहरों से दिल्ली तक पहुंचना तो आसान है, लेकिन रिटर्निंग उड़ानें 2 से 3 गुना महंगी हैं? आखिर दिल्ली से फ्लाइट्स की कीमतों में ही आग क्यों लगी हुई है? खासकर बिजी रूट्स पर एयरलाइंस ने एयरफेयर में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। ये हालात तब हैं जब पिछले 3 महीने में जेट फ्यूल यानी ATF की कीमतों में 20% से अधिक की गिरावट आई है। क्या गो फर्स्ट के ग्राउंड होने से एयर टिकटें महंगी हुई हैं? ये तात्कालिक वजह हो सकती थी, लेकिन अब तो सरकार गो फर्स्ट के सभी रूट्स को दूसरे एयरलाइंस को बांट चुकी है। अगर डिमांड और सप्लाई के बीच गैप की बात है तो सरकार इस दिशा में कोई ठोस रणनीति क्यों नहीं बना रही है? जब ट्रेनों, इंटरस्टेट बसों के किराए को राज्य सरकारें रेगुलेट कर सकती हैं, तो केंद्र एविएशन सेक्टर को मनमानी क्यों करने दे रहा है? महंगी हवाई टिकटों की बात करें तो एयर फेयर के ग्लोबल चार्ट में पाएंगे कि हाल के दिनों में 41% के साथ सर्वाधिक किराया भारत की घरेलू उड़ानों का बढ़ा है। इसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE में 34% एयर फेयर बढ़े हैं, सिंगापुर में एयर फेयर बढ़ने का यह आंकड़ा 30% का है। तो क्या कह सकते हैं कि इंडियन एविएशन सेक्टर की मनमानी को रोकने के लिए अब इन पर नकेल कसना जरूरी हो गया है, ताकि लोगों को महंगे एयर टिकट से राहत मिल सके? ऐसे में जबकि हवाई यात्रा अब लग्जरियस नहीं बल्कि एसेंशियल आइटम बन चुका है, तो सरकार महंगे एयर फेयर को लेकर सीधे तौर पर कोई दखल क्यों नहीं दे रही है? ये सवाल जी बिजनेस आज भी उठा रहा है और तब तक उठाता रहेगा जब तक एयर फेयर सामान्य लेवल पर नहीं आ जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। परिचय आपका करा दें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं परवेज दमानिया जी, फाउंडर हैं दमानिया एयरवेज और जाने माने एविएशन एक्सपर्ट भी हैं। परवेज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं धीरज माथुर जी, पूर्व पार्टनर हैं एयरोस्पेस एंड डिफेंस के PwC इंडिया के साथ। बहुत बहुत स्वागत है धीरज माथुर सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं बिजॉन मिश्रा, जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। बिजॉन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिजॉन सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। ये जो लगातार एयरफेयर्स रिपोर्ट जो किया जा रहा है, कोई चेक नहीं है इस पे? सरकार ने 2-3 मरतबा एयरलाइंस के साथ बातचीत की, कुछ दबाव हमने जब खबर चलाई, अलग अलग जगह रिपोर्ट हुआ, तो उसके बाद हुआ 7 से 28% तक किराए में
कमी की गई, लेकिन उसके बावजूद एक आम आदमी की पहुंच से कुछ रूट्स पर तो अभी भी पहुंच से दूर है। इस पर आपका क्या कहना है, एक कंज्यूमर के हितों के लिए अब सरकार को क्या करना चाहिए? सर दीपक भाई, पहले तो जी बिजनेस को बधाई कि आप इस मुद्दे को लेकर बार बार पब्लिक के सामने ला रहे हैं, लॉ मेकर्स के सामने ला रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स के सामने ला रहे हैं। यूसी सबसे बड़ा जरूरत यह है दीपक भाई कि पारदर्शिता लाना। हमारे देश में एविएशन इंडस्ट्री में बिल्कुल कोई पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कॉस्टिंग पे एज अ कस्टमर हमको ये पता नहीं लग रहा है कि हम पूरा फेयर एडवांस में देते हैं, फिर भी एयरलाइन बैंकक्रप्ट हो जा रहा है, इंसॉल्वेंसी में चले जा रहे हैं, क्यों, किस लिए? यूसी हमको ये नहीं समझ में आ रहे हैं कि एज अ उपभोक्ता हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, हम पूरे पैसे एडवांस में दे रहे हैं, वो लोग तेल कंपनी को पैसे नहीं दे रहे हैं, वो लोग लैंडिंग चार्जेस बकाया रख ले रहे हैं, फिर भी वो लोग ये दिखा रहे हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं। और इस ढंग से जो फेयर्स बढ़ रहा है और जिसमें कोई पाबंदी नहीं है, रेगुलेटर सो रहे हैं, डीसीजीए खाली एडवाइजरी पे एडवाइजरी दे रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानूनी रूप से कोई लगाम नहीं कस रहा है इन टर्म्स ऑफ, इनफैक्ट मेरा एक याचिका अभी भी हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, कि हम लोग बार बार ये चाह रहे हैं कि भाई हम लोग कीमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा तो पारदर्शिता लाइए कि आप जब फेयर कैलकुलेट कर रहे हो, किस ढंग से कैलकुलेट कर रहे हो, किस ढंग से आप चार्ज कर रहे हो, क्यों एक सेक्टर में कम है, दूसरे सेक्टर में ज्यादा है, हम लोग को बताइए किस क्या पीक आवर होता है, क्या नॉन पीक आवर होता है, कहां पर क्या है। अरे हम लोगों को भी तो समझने दीजिए, लेकिन एविएशन मिनिस्ट्री बिल्कुल चुप है और उन लोगों का केवल एक ही जो उनका जो पोजीशन है, क्या हम रेगुलेट नहीं करना चाहते हैं, क्यों भाई आप क्यों नहीं रेगुलेट करना चाहते हो, क्यों नहीं एक एक, एक मतलब एविएशन इंडस्ट्री को क्यों ये छूट है, क्यों नहीं आप टेलीकॉम सेक्टर को छूट दे रहे हो, क्यों नहीं आप बैंकिंग सेक्टर को छूट दे रहे हो, उनके रेगुलेटर क्यों रेगुलेट करते हैं मार्केट को, एविएशन इंडस्ट्री में क्यों नहीं रेगुलेशन आएंगे, ये सब जो क्वेश्चंस है, इसका जवाब हमको 20 साल से हम लगातार उठा रहे हैं लेकिन हमको जवाब नहीं मिल रहा है। हमको क्वालिटी ऑफ सर्विस का कोई परिभाषा नहीं मिल रहे हैं, जब मर्जी वो रिफंड कर रहे हैं, पैसे लेकर रख ले रहे हैं, रिफंड नहीं कर रहे हैं टाइम से। यूसी कई जो मुद्दे हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, अकाउंटेबिलिटी को लेकर, कहीं पर भी सरकार कोई पॉलिसी लेकर नहीं आ रहे हैं। हमको नहीं समझ में आ रहा क्यों, इसका क्या कारण है। बिल्कुल मैं बिल्कुल सर, ये बहुत जेन्युइन सवाल है और ये वाकई में ये आम आदमी की समझ से बाहर है। ठीक है, सरकार इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट नहीं करना चाहती, वो हित में भी एक तरह से, बट रेगुलेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप पारदर्शी ना रहें। आप कम से कम बताएं तो सही कि सर्च किस बात का हो रहा है, किस मद में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। माथुर सर, एयरलाइंस कंपनीज के पास क्या इस बात का कोई जवाब है कि एक क्यों ये एयर फेयर इतने ज्यादा हैं? सर देखिए, कई कारण हैं इसके, कुछ तो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं और कुछ तात्कालिक इमीडिएट इश्यूज हैं जो टेम्पररी, एक तरह से टेम्पररी हैं। तो इमीडिएट जो इशू है, जो तात्कालिक मुद्दे समस्याएं हैं, वो ये है कि आज की तारीख में 700 हवाई जहाज़ जो हिंदुस्तान में पंजीकृत हैं, उनमें से करीब 108 के करीब ग्राउंडेड हैं। और इसका कारण यह है कि वो इंजन प्रॉब्लम है, पैट एंड विटनी के इंजन जिसके पास है, पूरी गुएरी बैठ गई है। इंडिगो के भी हवाई जहाज़ ग्राउंड हुए हैं जिनके पास पैट एंड विटनी का इंजन था, एयर इंडिया के भी पैट एंड विटनी इंजन में प्रॉब्लम आ रही है। और ओवरऑल पूरे विश्व में जो सप्लाई चेन है स्पेयर्स की, कोविड का डिस्ट्रप्शन से आज भी वो नहीं उभरी है। तो स्पेयर्स को लेके एक वास्तविक समस्या है। और आप ये सोचिए, अगर 700 में से 108 हवाई जहाज़ ग्राउंड हो जाएंगे तो सप्लाई कितनी श्रिंक होगी। तो एक तो ये तात्कालिक समस्या है जिसकी वजह से ये हुआ है। अब जैसे कुछ रूट्स हैं, जैसे ले में गो फर्स्ट की ऑलमोस्ट मोनोपली थी, तो वहाँ पर गो फर्स्ट के अब हवाई जहाज़ है ही नहीं, फ्लाइट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी आई है और उसकी वजह से फेज में स्पाइक हुआ है।
दूसरी जो समस्या है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, वो ये है कि अभी जो हमारा एविएशन का जो पूरा जो क्षेत्र है वो विकसित है, बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, ये सही बात है। और मैं समझता हूँ विश्व में हम सबसे प्रथम श्रेणी पर होंगे इस एज फार एज ग्रोथ ऑफ द एविएशन सेक्टर इज कंसर्न, बट इट इज़ स्टिल एन इमेच्योर इंडस्ट्री मार्केट। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कैपेसिटी की, सप्लाई की, ऑन द सप्लाई साइड। अब एयरपोर्ट्स के निर्माण में बहुत तेज़ गति आई है कुछ वर्षों से, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान है। हमारे 6 मेट्रोस की कैपेसिटी बहुत बढ़ने वाली है। सरकार ने कई और चीज़ें करी हैं, जिससे कि MRO पे GST कम कर दिया है, एविएशन फ्यूल पे भी राज्य सरकारों से संपर्क करके कई राज्यों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसके परिणाम हमें अगले 3 से 5 सालों में दिखने शुरू होंगे। सर परिणाम दिखेंगे क्या? तो आज की 3 से 4 सालों में परिणाम क्या दिखेंगे? सर पिछले 4 सालों का परिणाम अगर आप देखेंगे, मैं आपको बहुत ध्यान से सुना, मैं आपकी बातों से सहमत भी हूँ कि हम बहुत तेजी से ग्रो करती हुई कंपनी है, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं भी, 106-108 ग्राउंड भी है, ठीक है, वो वाला भी हमने लॉजिक मान लिया। लेकिन पिछले 4 साल में 41% एयरफेयर्स बढ़ गए हैं सर, अगले 4 साल में ये कहां जाएंगे कोई नहीं जानता। दूसरा नंबर 1 नंबर 2 नहीं सर, एक चीज और, नंबर 1 नंबर 2, आपने कहा कि कैपेसिटी, आप सरकार से मांगते हैं 3200 कैपेसिटी पे चलाते हैं आप 2800-2850, आप फुल कैपेसिटी में क्यों नहीं चला रहे हैं? जो ग्राउंड है वो ठीक है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ग्राउंडेड है वो ठीक है, लेकिन उसके जो ठीक हैं उनको भी आप फुल कैपेसिटी में नहीं चला रहे सर। बड़ी बड़ी कंपनीज 53% 54% पे काम कर रही है सर, इससे तो बार बार ऐसा लगता है सर कि आप एक आर्टिफिशियल स्कैसिटी वो कर रहे हैं ताकि फेयर ज्यादा दिखे। देखिए जो आर्टिफिशियल स्कैसिटी जैसे वो होता है कि गल्ले में, अनाज में, चीनी में, वो यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट है एयरक्राफ्ट का वो बहुत हाई है। एक एयरक्राफ्ट जो आपको सारे विमान चलाने में प्रॉब्लम क्या है? आप सारे विमान चला दीजिए, आप कॉस्ट अपने आप कूल ऑफ हो जाएगी सर। सारे विमान क्यों नहीं चला रही है कंपनीज जो टेक्निकल प्रॉब्लम से ग्राउंडेड है, उनको छोड़ दीजिए। ये कहाँ से आया ये बात कहाँ से आई है कि एयरलाइंस ने जानबूझकर हवाई जहाज को ग्राउंड कर रखा है? इसका प्रमाण क्या है? मेरी बात सुन लीजिए, आपने एक आरोप लगा रहे हैं, बड़ा गंभीर आरोप है। उसका एक पहलू, आप वित्तीय पहलू समझिए। देखिए एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड रखने में एयरलाइंस का बहुत नुकसान होता है, सारे उनके फिक्स कॉस्ट जो हैं, एयरपोर्ट के जो रेंटल चार्जेस हैं, लीज रेंट है, जो फॉरेन एक्सचेंज में जाता है, जो क्रू है उनकी, जो पायलट्स हैं, वो सारे खर्चे तो यथावत बने हुए हैं, पर उनको उन खर्चों को पूरा करने के लिए कोई रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज ग्राउंडेड है। अच्छा ये कहना कि आपने जानबूझ के ग्राउंड करा जिससे कि आपके फेयर्स में सर्ज आए और उससे आप मुनाफा कमाएंगे, ये वित्तीय परिपेक्ष से ये इसमें कोई दम नहीं है। देखिए अगर आप जो एग्जॉर्बिटेंट फेयर्स की बात कर रहे हैं, आपने खुद ही कहा कि बॉम्बे दिल्ली तो सामान्य है, दिल्ली बॉम्बे ही है, तो और दिल्ली बॉम्बे को ही देख लें तो ऑलमोस्ट 50% पे तो देर इज नो इंक्रीज, क्योंकि वो तो सामान्य है, बॉम्बे टू दिल्ली इज द सेम रेट्स। ना दिल्ली बॉम्बे कब ज़्यादा है, जैसे आज आप चलना चाहें, कल आप चलना चाहें, मैंने आज अभी फिर शो पे आने से पहले चेक किया था, अगर आप एक हफ्ते बाद जा रहे हैं तो आपके 5-6 हज़ार रुपये आए थे कि दिल्ली बॉम्बे, वही चीज़ दिल्ली बैंगलोर के लिए है। ये खाली लास्ट मिनट जो बुकिंग्स हैं, yes, उसमें ये प्रॉब्लम है, सबसे का कारण ये, देखिए प्लीज ठीक आप बता दीजिए, आपको जो कहना है ठीक है, आप बोलिए सर, बोलिए। देखिए अगर तो हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी होती सीट्स की, तो जैसे US में लास्ट मिनट जो ट्रैवलर्स होते हैं, कई बार अगर एयरक्राफ्ट खाली जा रहा है तो एयरलाइंस खुद उसका प्राइस बहुत गिरा देती है, क्योंकि खाली नहीं जाना चाहता, खाली हवाई जहाज उड़ाने में उनको बहुत नुकसान है।
यहाँ ये स्थिति है नहीं। एक तो 108 एयरक्राफ्ट वैसे ही ग्राउंडेड है और दूसरी बात ये है कि लास्ट मिनट ट्रैवलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जब और जो प्राइसिंग है पार्टली ये एल्गोरिथम ड्रिवन है, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक है, जैसे सप्लाई और डिमांड बढ़ती जाती है, अलग अलग बकेट्स हैं फेयर्स के, उसमें वो फेयर्स बढ़ते घटते रहते हैं। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं सर, मैं दमानिया सर के पास भी चल रहा हूं, मैं दमानिया सर के पास भी जाऊंगा सर, मैं लेकिन लेकिन सर मैं यही तो कह रहा हूं कि आप पे भरोसा कर रहा है अगर कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा तादाद में अगर वो फ्लाइंग कर रहा है तो इसकी सजा आप कंज्यूमर को देंगे सर, ये कह के कि डिमांड है, आपके आप पे भरोसा करके क्या गलती कर रहे हैं? और आप अगर अगर आप पूरे ग्लोबली देखिए, आज की खबर ही यही है सर, ग्लोबली सबसे ज्यादा किसी रूट पर सबसे ज्यादा अगर एयरफेयर है तो वो हिंदुस्तान में है सर। ये क्यों है, ये महंगाई की क्यों तस्वीर दिखा रहे हैं आप? ये हमारी एयरलाइंस कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है, ये तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं आप दुनिया को? सवाल ये है। दमानिया साहब आपका टेक सर। देखिए पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिजॉन सब सेड वन थिंग, व्हाट ही मेंट टू से, उनका क्या बोलना चाहिए चाह रहे थे कि देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी। यस, आज एयरलाइंस ने याद रखना चाहिए कि आज जो इंडिया एविएशन सक्सेस स्टोरी हो रही है क्योंकि कंज्यूमर ने आपको इतना सपोर्ट किया, कंज्यूमर का इतना ग्रोथ है, इसलिए ऑटोमेटिक एयरलाइन का इतना ग्रोथ है और इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट and the fastest growing in the more work. And Mathur sahab of course said, or aapne kya kaha, ke there are not, aircrafts are grounded and airlines are not flying. What I am trying to say is, that may not be true, lekin ye bhi bolna chahiye, or Mathur sahab I'm trying to say is, the airline should work on a war footing to get as many aircrafts as possible in the air. तो जितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट एयर में होंगे उतना पैसेंजर पे फेयर्स का लोड कम हो जाएगा। दूसरा, आप अगर स्टेटिस्टिकली देखिए और थोड़ा ध्यान दे तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया आफ्टर गो एयर्स डिपार्चर। गो एयर बंद हो जाने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि गो एयर एट फुल स्ट्रेंथ एट अ फ्लीट ऑफ 60 एयरक्राफ्ट और 60 एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग एट ऑल इम्पोर्टेंट रूट्स, सडनली वो रूट्स खत्म हो गए। देखिए मेरा तो यही है कि भाई गवर्नमेंट शुड नॉट रेगुलेट फेयर्स, लेकिन इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट द एयरलाइंस यूज मोर कॉमन सेंस एंड सेल्फ रेगुलेट। अगर आप आपके पैसेंजर को ही नाराज कर देंगे, आज आपके कंज्यूमर को ही नाराज कर देंगे एंड द कंज्यूमर्स विल फील दैट दे आर बीइंग टेकन फॉर अ राइड, इट विल कम बैक टू बाइट यू इन द लॉन्ग रन। टुडे एक तो आप कर सकते भाई, आप सेल्फ रेगुलेट करके अपर फेयर इतना हाई मत रखिए कि इट बिकम सो ऑब्वियस द पैसेंजर्स बीइंग फ्लीस्ड। टुडे एनीबडी, लोग क्या करेंगे, अब लोग सोचना चालू कर देंगे भाई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए तो इतना इम्पोर्टेंट है तो कैंसिल कर दो ट्रिप एंड ओवरऑल द मार्केट विल गेट अफेक्टेड। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि एयरलाइन शुड ट्राई, देखिए गवर्नमेंट अगर इंटरफियर करने लगे, आज ही की रिपोर्ट है लॉस दमानिया सर, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं उसके प्रमाण सामने आ रहे हैं। आज ही की रिपोर्ट है कि ये सीजन जैसे ही खत्म होगा नॉर्मल जो डिमांड रहती है इस बार शायद 5-7% कम देखने को मिले अभी से जो ट्रैवल एजेंट्स हैं। और ये स्थिति क्यों बनी? ये स्थिति इसीलिए बनी क्योंकि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। आप अभी से टिकट बुक कराइए, आप दीपावली की छठ की टिकट्स देख के देखिए, आप गोरखपुर, पटना, दरभंगा, देवघर, ये इस तरह के जो छोटे छोटे रूट्स हैं इन पर आप टिकट्स देखिए, 15,000 तक है सर। तो ये और ये तब 6 महीने पहले, देखिए 4 महीने पहले, देखिए ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विश था और ये गवर्नमेंट चाहती है कि एवरी पर्सन शुड फ्लाई, the person in the Hawaii chappal should be able to afford it. तो ये तो हमारा जो government का support है aviation sector को और जो government ने इतना मेहनत करके इसको huge success story बनाया, ये तो we are going the reverse trend. Today we are scaring people from flying. लोग सोच रहे हैं कि भाई नहीं
फ्लाइंग इज अनअफोर्डेबल. हमारा क्या प्लान था कि फ्लाइंग एविएशन शुड बी ट्रीटेड एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, ठीक सर, नॉट एज अ लग्जरी इंडस्ट्री. एब्सोल्युटली सर, एवरीबॉडी शुड बी एबल टू फ्लाई. हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा, यस सर, इंडिया, यस सर. एक छोटा सा ब्रेक लिए मुझे रुकना है, मैं आऊंगा सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, छोटा सा ब्रेक मुझे रुकना है. देखिए सारी कहानी यही है, हम बार बार कहते हैं और हम एविएशन सेक्टर आगे बढ़े, इस देश की ग्रोथ स्टोरी में अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. हम तो बार बार कहते हैं कि ये देश का एविएशन सेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. हम इस पक्ष में भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा निगरानी हो या दायरे में है, बिजनेस आप स्वच्छता से कीजिए, लेकिन पारदर्शिता तो आपको लाके देनी ही पड़ेगी एक आम कंज्यूमर के लिए. आप कंज्यूमर को पता तो होना चाहिए कि क्यों एक तरफ का किराया 6,000 है और दूसरी तरफ का किराया 14,000, 20,000, 28,000 था कुछ दिन पहले. ये एक आम कंज्यूमर को तो बताना पड़ेगा ना, आपको कोई ना कोई तो लॉजिक देना पड़ेगा. बेजॉन सर, आप ने जितना आपका एक्सपीरियंस अब तक रहा है, आपको क्या समझ में आया कि आखिर जनता को बताने में प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली हम क्यों और किस रूप में किराया बढ़ा रहे हैं? पारदर्शिता लाने पे होगा क्या? देखिए माथुर साहब ने ग्राउंड रियलिटीज बताया, लेकिन ये वो ये नहीं बता रहे हैं इनफिशियंसीज कहां पर है. यूसी, आप इनफिशियंसी को कंज्यूमर के कंधे पे नहीं थोप सकते हैं. आप यदि इनफिशियंट है, आप यदि अपने बिजनेस को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एडमिट करना पड़ेगा कि आप गलत चला रहे हैं इंडस्ट्री को. आपको समझना होगा, लॉन्ग टर्म सोचने होंगे, आपको ये समझना होगा कि कहां पर क्या ट्रैफिक को किस ढंग से आप मैनेज करेंगे उसी किराए पे जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट. सर मैं इस राउंड में मेरे पास सर वक्त की कमी है, मैं फटाफट रिएक्शन लूंगा. माथुर सर, इनएफिशिएंसी को आप कंज्यूमर पे क्यों लाते हैं? सीधा सीधा आरोप है ये एक आरोप है और आरोप ही है. इसके और जो पहलू हैं, जब कोविड में इतना नुकसान हुआ एयरलाइंस का, तब आपने किसी ने ये कहा कि भाई एयरलाइंस की जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने क्या की किया था ना सर, सरकार ने KLM जो नहीं दैट इज अ क्रेडिट लाइन गारंटी, नहीं दैट इज अ क्रेडिट लाइन गारंटी, एयरफेयर्स को कैप भी किया था सर, दोनों के लिए किया था, कंज्यूमर के लिए भी एयरलाइंस के लिए. KLM एयर फ्रांस को क्या नहीं कैप किया था, बट जो नुकसान हुआ था उसकी तो कोई भरपाई नहीं हुई. US एयरलाइंस को सरकार से कैश मिला, यूरोप की एयरलाइंस को कैश मिला, इंडिया में कुछ नहीं दिया गया, ना दिया जा सकता है. पर जब इतना नुकसान होता है तब कोई नहीं बात करता. और ये एक ऐसे इंडस्ट्री है इंडिया में, सिवाय एयरलाइंस के, इस क्षेत्र में जो जो काम करती हैं कंपनीज, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, ग्राउंड हैंडलिंग क्रू, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज, जो ऑयल कंपनीज है, सब मुनाफा कमाती हैं सिवाय एयरलाइंस के. इनके खर्चे बहुत हैं, इनके फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. कंज्यूमर को बताने में क्या प्रॉब्लम है सर? कुछ कंज्यूमर के सामने पारदर्शिता से बता दीजिए. तो ये शो ये शो जैसे हो रही है, जो चर्चाएं हो रही है, इस पे हम यही तो बता रहे हैं कि इनके क्या कारण है. और दूसरा सबको मालूम है, अभी सर DGCA ने एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर नंबर 2/2010 में जारी किया था. इसमें साफ साफ लिखा है सर कि एयरलाइंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स जो भी ये फेयर कैटेगरीज हैं, किस मैनर में ऑफर किया जा रहा है इन द मार्केट, सब कुछ आपको पहले से बताया गया है कि बताइए आप क्यों ले रहे हैं इतना, किस मद में ले रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं, तो क्यों बताने में प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक ये तो अब इतनी सारी ये जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मेक माई ट्रिप एंड वगैरह वगैरह, कि नॉर्मली तो लोग उन्हीं के माध्यम से ही खरीदते हैं टिकट. मैं भी वहीं से खरीदता हूं, एयरलाइन से तो डायरेक्टली बहुत कम लोग खरीदते हैं. और आप ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, इनके जरिए आप जाएंगे तो आपको कंपैरिजन मिल जाएगा कि इस एयरलाइन में कितने का है. ये रेट, ये सर्ज क्यों हुआ ये नहीं पता चलता है. एनीवे दमानिया सर, क्विक रिएक्शन सर आपका, ये तो समाधान नहीं. यू सी एयरलाइन, देखिए ये जो कंपैरिजन मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, एक्सपीडिया, दैट शोज द डिफरेंस इन फेयर्स. लेकिन एयरलाइन कैन डेफिनेटली मेक द होल थिंग मोर ट्रांसपेरेंट एंड मेक इट क्लियर बाई विच बकेट व्हाट फेयर्स आर देयर. और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप लॉस में टिकट बेचो, लेकिन अपर फेयर के थोड़ा कैप रखो ना, कि कोई कंज्यूमर को ऐसा नहीं लग रहा है कि आई एम गेटिंग फ्लीस. और अगर ये चलता ही रहा
तो मुझे लगता है एक दिन गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा और फिर एक साइड पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस चालू हो जाएगा तो हर एक चीज में इंटरफेरेंस और देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यस सर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बोलता है एयरफेयर इज मार्केट ड्रिवन एंड इज नाइदर एस्टैब्लिश्ड नॉर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट. लेकिन बीच में एक शब्द लगाया सर, गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया. हाँ, गवर्नमेंट ने बीच में एक शब्द लिखा है सर, लोअर फेयर एब्सोल्युटली. बीच में गवर्नमेंट ने एक शब्द लिखा है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. लेकिन मुझे लगता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अब नहीं है. ऐसे अगर आम कंज्यूमर पे बोझ पड़ता रहा तो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है और इसमें सरकार को पूरा अधिकार है कि वो स्टेप इन करके कुछ ना कुछ रेगुलेट करे. मातु साहब 5 सेकंड सर, मेरे पास इंफाल में प्रॉब्लम हुआ फेयर्स वेंट वेरी हाई, आप भुवनेश्वर में प्रॉब्लम हुआ फेयर्स वेंट वेरी हाई, द एयरलाइंस. यस सर, मातु सर कुछ कहना चाह रहे हैं. मातु सर प्लीज क्विकली सर, मेरे पास वक्त की कमी है. मातु सर, आप कल का टिकट बाय राजधानी ट्रेन एक्सप्रेस दिल्ली बॉम्बे खरीद के दिखा देख लीजिए. अगर आपको मिलता है, आपको कल का बॉम्बे दिल्ली बॉम्बे एयर टिकट तो मिल जाएगा सर. इसी का मैं यही तो कहता हूँ सर, आम आदमी को तो तत्काल में टिकट नहीं मिल रहा सर, इसीलिए तो उसकी मजबूरी है फ्लाइट में चढ़ना. इस मजबूरी का फायदा क्यों उठाती है एयरलाइन, सवाल तो यही है. एनीवे सर, मेरे पास वक्त की कमी है. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत फायदा उठाया जा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया दमानिया सर, माथुर सर, बिजॉन सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही.